हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज हमारे साथ श्री सुनील पांडे जी एक बार फिर आए हैं और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि दिसंबर के महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिनका हम सदुपयोग किसी अच्छे काम के लिए, भले ही वो क्या आपके घर में गाड़ी खरीदना है या घर बनवाना है या शादी का हो सकता है, उन अच्छे मुहूर्त दिसंबर के महीने में कौन कौन से होंगे उनके विषय में जानकारी देंगे। और इसके अलावा दिसंबर के महीने में नेक्स्ट मंथ कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं और इसके साथ साथ नक्षत्र के विषय में एक परिचय या जानकारी देंगे श्री सुनील पांडे जी। तो नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो नक्षत्र के विषय में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम नक्षत्र के विषय में जानते हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम, यानी वेद ही सभी धर्मों के मूल हैं। वेद हैं चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए छह वेदांगों को समझना जरूरी है और ये छह वेदांग हैं शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। इन वेदांगों में ज्योतिष का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र की आत्मा का स्थान नक्षत्र विचार है। तिथियां बाद की एवं स्थूल हैं, जबकि नक्षत्र मूलाधार है, यानी बेस है। भविष्यवाणी करने में जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनमें नक्षत्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारतीय पद्धति में गणना का आरंभ ही नक्षत्रों से होता है। वांग्मय में इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में ज्योतिष का व्यवहार नक्षत्रों पर ही आधारित था, अतः नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र की नींव है, जिस पर ज्योतिष प्रवर्तकों, ऋषियों, मनीषियों ने वैदिक भारतीय ज्योतिष का सुरम्य प्रसाद खड़ा किया है। यानी कि नक्षत्र वेश है और इसी के आधार पे बहुत से फलित और हमारे ऋषियों ने किया है। आप देखें तो वर वधु का मिलान नक्षत्र से आधार पर होता है। गोचर का जो है राशि या नक्षत्र के आधार पर गोचर का भी विचार होता है और जन्म नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण होता है कि पूरा जीवन उसी से संचालित होता है, क्योंकि दशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, ये सब जो दशाएं हैं और जो बहुत सी मतलब योगिनी दशाएं हैं, बहुत सी जो दशाओं का जो बेस है वो जन्म नक्षत्र ही है। इसलिए जन्म नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नक्षत्र शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है ना हिलने वाला, ना चलने वाला। अंग्रेजी भाषा में नक्षत्र को कंसंस्टिलेशन कहते हैं और चीनी भाषा में नक्षत्र को सियो कहते हैं। वैदिक काल में ही 28 नक्षत्रों व उनके देवताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा चुका था। 28 इस प्रकार से हैं कि दो नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और सवन नक्षत्र को मिलाकर के अभिजित नक्षत्र बनाया गया है। शुभ व अशुभ नक्षत्रों का वर्गीकरण वैदिक काल से ही किया गया है। नक्षत्रों की आकाशीय स्थिति का सही आकलन, उनके गुणधर्म स्वरूप, उनके व उनके नामों को तार्किक आधार पर दिया गया था। आज हम नक्षत्र से तात्पर्य चंद्रमा के भ्रमण मार्ग से करते हैं, लेकिन ऋग्वेद के आरंभ से ही तारों को नक्षत्र के नाम से पुकारा गया है। धीरे धीरे सामान्य तारों व चंद्रमा के मार्ग में पड़ने वाले नक्षत्रों को अलग अलग पहचाना जाने लगा। सूर्यादि ग्रहों को भी उसी नक्षत्र मार्ग से चलता देखकर वैदिक ऋषि ने कल्पना की थी कि ये नक्षत्र देवताओं के वास स्थान है, यानी कि घर है। तैतरीय ब्राह्मण में किसी देवता को तत्त्व
नक्षत्रों का अधिष्ठाता क्यों माना गया है, इस विषय में भी कुछ कथात्मक संकेत हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र का देवता गुरु है। एक बार बृहस्पति ने ब्रह्म तेज पाने की इच्छा की, अतः उसने पुष्य नक्षत्र को दूध मिश्रित चरु की आहुति दी, तब वह ब्रह्म वर्चसी हो गए। इसलिए जो है गुरु पुख योग बहुत ही काम्य है, बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, आध्यात्मिक कार्यों में सर्वोत्कृष्ट है। पुष्य नक्षत्र में गुरु का भाव गुरुता का भाव था, बड़प्पन का था, अतः हम अगर पुष्य नक्षत्र में कोई भी काम करते हैं, केवल विवाह को छोड़ करके पुष्य नक्षत्र में सारे काम शुभ माने गए हैं। दक्ष प्रजापति की 33 कन्याएं थी, उनमें से रोहिणी ने विशेषतः प्रेम पूर्वक चंद्रमा से विवाह की कामना की। शेष बहनों ने भी चंद्रमा को पति के रूप में चाहा। विरोध करने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने अपनी 33 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। ये 33 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र ही हैं। इसमें से कृतिका की 6 ताराओं को जोड़ने से 33 ताराएं हो जाती हैं। चंद्रमा नक्षत्रों का पति है, ऐसा कहा गया है। दक्ष प्रजापति संपूर्ण तारामंडल का नक्षत्रीय स्वरूप है, अर्थात सभी तारे दक्ष रूप हैं। उसमें चंद्रमा के मार्ग में पड़ने वाले 27 नक्षत्रों को चंद्रमा को दे दिया, यानी कि बहुत से नक्षत्र बहुत से हैं, लेकिन ये जो नक्षत्र हैं जो चंद्रमा के मार्ग में पड़ते हैं, यही 27 नक्षत्र मुख्य हैं, और इन्हीं 27 नक्षत्रों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है या पृथ्वी के जीवों पर पड़ता है, इसीलिए ये 27 नक्षत्र मेन है। अब हम इसके आगे हम बताते हैं कि किस की, जैसे रामायण में आगे क्या कैसा हुआ, किस प्रकार हम जाने की जो है नक्षत्र का महत्व था, आइए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो ज्योतिष विशेषता नक्षत्रों का वर्णन आया है। इस ग्रंथ के अध्याय 19 के श्लोक 4 में राजा दशरथ अपनी कुंडली के अनिष्ट योग की चर्चा करते हुए राम जी को संबोधित करके कहते हैं कि हे राम, मेरे जन्म नक्षत्र को इस समय सूर्य मंगल एवं राहु पीड़ित कर रहे हैं, ऐसा देवज्ञ लोग मुझको बताते हैं। देखिए, ज्योतिषी को देवज्ञ कहा जाता है, यानी कि देवता। पहले के जो ज्योतिष शास्त्रों में है या धर्म ग्रंथों में है, ज्योतिषी को देवता की उपाधि दी गई थी, देवज्ञ उनको कहा जाता था। इसीलिए राजा दशरथ ने ज्योतिषी को देवज्ञ कहा कि जो है ऐसा आपके नक्षत्र में इस समय सूर्य मंगल एवं राहु पीड़ा दे रहे हैं। प्रायः करके जब ऐसी स्थिति आती है तो या तो मृत्यु होती है या तो घोर आपत्ति आती है। इस उदाहरण से पता चलता है कि वाल्मीकि जी के समय में ज्योतिष शास्त्र राजा की ओर से सम्मानित था, मतलब कि राजा ज्योतिषी रखते थे या राजा की ओर से सम्मानित था। वहां यह भी पता चलता है कि उस समय नक्षत्रों द्वारा फल कहने की प्रथा प्रचलित थी। भगवान राम के राज्याभिषेक के संबंध में वर्णन आया है कि अर्थात फलित ज्योतिष का विचार करने वाले कहते हैं कि अभी चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में से गुजर कर पुष्य नक्षत्र पर आने वाला है, जो कि राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त है जी। तो अतः फलित ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत ही महत्व है। तो आज एक हमने जो है केवल नक्षत्र का परिचय हमने दिया, जो कि वैदिक काल से लेकर के आज तक जो है एक सामान्य सा परिचय है, और विश्वास है कि इसका आप लाभ लेंगे। और एक चीज आपसे मैं ये भी बताना हम चाहता हूं कि जैसे नक्षत्र जो होते हैं वो
60 घटी के होते हैं, लेकिन कुछ नक्षत्र जैसे वृद्ध होते हैं, यानी कि 60 घटी से ज्यादा जब उनका उनका काल होता है तो उसको नक्षत्र की वृद्ध कहते हैं, और जब 60 घटी से अल्प होता है उनका भयात और भवोक का काल तो उसको जो है नक्षत्र का क्षय कहते हैं। मेरा एक रिसर्च है कि जिसका नक्षत्र का भयात भवोक यानी नक्षत्र का संपूर्ण काल जिसका 60 घटी हो या 60 घटी से ज्यादा होता है तो ऐसा जातक अपने जीवन में उन्नति करता है। जिसका जो है नक्षत्र का भयात भवोक यानी संपूर्ण काल माने जो बीता हुआ समय है और जो अभी नक्षत्र का भोगना शेष है उसका अगर 60 घटी से अल्प है तो थोड़ा सा संघर्ष आता है उसके जीवन में, ऐसा मेरा एक रिसर्च है। तो आगे हम आते हैं दिसंबर मास के शुभ मुहूर्त। हाँ जी, और कौन कौन से मास में मंथ में कौन के व्रत त्योहार है, ये तो मतलब ये तो एक परिचय मतलब हुआ कि ज्योतिष के जानने के लिए जो आप किस प्रकार से जो है धीरे धीरे हम ज्योतिष के एक एक चैप्टर को हम लेकर के आगे आपको बताते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको जानेंगे और जानेंगे तभी जो है आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम है दिसंबर महीने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। प्रथम है 1 दिसंबर को रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त है, 1 तारीख को जो मतलब जिनका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है वो कुछ विशेष जैसे फूलों से या कुछ विशेष प्रकार से जो है स्नान करके अपने स्वास्थ्य को जो है ठीक कर सकते हैं, और 2 तारीख को 1 बजे तक भद्रा है, उसके बाद पश्चिम दिशा को छोड़कर अन्य दिशा में यात्रा का मुहूर्त है, और 1 बजे के बाद ही दोपहर 1 बजे के बाद ही वाहन खरीदने एवं ऑपरेशन कराने का मुहूर्त भी है। 3 दिसंबर को जातक नामकरण मुहूर्त है, दोलोरोहण है मतलब कि वधु की विदाई का भी शुभ मुहूर्त है, औषधि सेवन का शुभ मुहूर्त है, व्यापार करने का शुभ मुहूर्त है, व्यापार का आरंभ कर सकते हैं, और वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त है 3 दिसंबर को। 10 दिसंबर को वस्तु क्रय विक्रय माने खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं इसका मुहूर्त है। 12 दिसंबर को शाम को 4:36 तक स्वर्ण नक्षत्र है, इसी के भीतर यानी कि शाम के 4:36 के अंदर पुंसवन सीमांत है, जातक नामकरण है, अन्न प्राशन है, पूर्व दक्षिण दिशा की यात्रा का शुभ मुहूर्त है, वस्तु क्रय का शुभ मुहूर्त है और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है, लेकिन 4:36 के बाद जीर्णाद गृह प्रवेश मुहूर्त है, यानी कि जैसे कोई मकान को रिनोवेशन करके उसको फिर से बना करके रंगाई पोताई करके उसमें जाने का शुभ मुहूर्त 12 दिसंबर को 4:36 के बाद का है। फिर आते हैं 13 दिसंबर को नवीन वस्त्र धारण का शुभ मुहूर्त है, औषधि सेवन का शुभ मुहूर्त है और जीर्णाद गृह प्रवेश और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। हाँ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि वाहन जो है चर लग्न में ही ले सकते हैं, या बहुत अगर हो चर लग्न मान लीजिए नहीं मिल रही है तो द्विस्वभाव लग्न में भी वाहन ले सकते हैं जी। 14 दिसंबर को जो है गृहारंभ है, घर का मतलब निर्माण है, जीर्णाद गृह प्रवेश और वाहन खरीदने का मुहूर्त है, लेकिन शाम को 7:45 के पहले शाम को 7:45 तक भद्रा है, अतः ये सब काम जो है 14 दिसंबर को 7:45 शाम को 7:45 से पहले कर लेना चाहिए। 18 दिसंबर को उत्तर दिशा को छोड़कर अन्य दिशा की यात्रा एवं ऑपरेशन कराने का शुभ मुहूर्त है। तो देखिए लगभग जो है 15 की रात से यानी 16 तारीख से
खरमास भी लग जाएगा, यानी कि सूर्य जो है धनु राशि में आ जाएगा, इसलिए जो है 16 तारीख के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ, विवाह का 15 तारीख को शुभ मुहूर्त है, लेकिन उसमें भी जो है विदाई आदि के लिए जो है शुभ मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से दिसंबर में शादी का कोई ऐसा बहुत शुभ मुहूर्त ऐसा नहीं है जी। अब आते हैं दिसंबर महीने के व्रत एवं त्योहार। 3 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है, सबका है, सबके लिए है, माने चाहे बसड़ो हो चाहे स्मार्त हो, सबके लिए है। 4 दिसंबर को भौम प्रदोष है, ऋण मुक्त के लिए, जिनका मतलब ऋण है, ऋण बढ़ गया है, या इस दिन जो है वो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या रुद्राभिषेक रखवा सकते हैं, या जो है श्री सूक्त का पाठ 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 करने से ऋण के मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है 4 दिसंबर। 7 दिसंबर को स्नान दान एवं श्राद्ध की अमावस्या है। देखिए, अमावस्या में जो है स्नान करने से, तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से शुभ फल मिलता है और पितर जो है प्रसन्न होते हैं। 11 दिसंबर को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 12 दिसंबर को श्री राम विवाह महोत्सव है। 13 दिसंबर को श्री स्कंद खष्ठी व्रत है। 16 दिसंबर को श्री महानंदा नवमी व्रत है। आज देवी पूजन से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो 18 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 20 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। 21 दिसंबर को काशी में पिशाच मोचन यात्रा दर्शन और पिशाच मुक्त के लिए श्राद्ध एवं तर्पण है। जिनके पितर जो है पीड़ित है या जो है उनको अभी मुक्ति नहीं मिली है, तो आज के दिन उनका उनके नाम से श्राद्ध करने से या उनके नाम तर्पण करने से उनकी मुक्ति संभव है। 22 दिसंबर को स्नान दान एवं व्रत की पूर्णिमा है और दत्तात्रेय जयंती है। और 25 दिसंबर को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और क्रिसमस का डे है, क्रिसमस डे भी है जी, व्रत त्योहार क्रिसमस का शुभ शुभ समय की शुरुआत है जी। तो ये जो है दिसंबर महीने के व्रत त्योहार है जी। तो आज आपने हमारी ऑडियंस को नक्षत्र के बारे में जानकारी दी और दिसंबर के महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, कौन कौन से व्रत और त्योहार, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। आई एम श्योर कि किससे उनको लाभ मिलेगा और उसी हिसाब से वो उन मुहूर्त के हिसाब से अगर वो चाहें तो अपने अच्छे काम प्लान कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा पंडित सुनील पांडे जी।